टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनिमल हस्बेंड्री। क्लास में हम लोग एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो बेटे सबसे आसान सी डेफिनेशन है रेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ एनिमल्स कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि जो एनिमल्स हैं उनकी देखभाल करना और उनसे प्रोडक्टिविटी कि क्या प्रोडक्ट हम लोगों को उनसे मिलता है उसको हम लोग कह देते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूड ब्रीडिंग, फीडिंग एंड प्रॉपर मैनेजमेंट। तो यहाँ पर ब्रीडिंग का मतलब ये है कि किस तरीके से हम लोग ब्रीड को इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी कि नस्ल को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही एक टॉपिक पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर मैंने बताया था कि हम लोग ब्रीड करवाते हैं दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, उसके बाद हम लोगों को एक नई ब्रीड मिलती है जिसमें डिजायरेबल करेक्टरिस्टिक्स हम लोगों को ऑब्टेन होते हैं। फीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, फीडिंग के अंदर कि हम लोग क्या फूड एनिमल्स को प्रोवाइड कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को प्रोडक्ट एनिमल से यील्ड होता है। और जो प्रॉपर मैनेजमेंट है इसके अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं, इसको हम लोग लास्ट में डील करेंगे। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हम लोग कैटल, गोट, सीप, पोल्ट्री और फिश फार्मिंग को कंसिडर कर रहे हैं। मेनली जो हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है हम लोग उसी टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेटे हम लोगों को पता है कि कैटल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, लिव स्टॉक, जिससे हम लोगों को बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, मिल्क मिलता है और मिल्क के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं। गोट, सीप, पोल्ट्री, फिश, इनकी भी अपनी अलग इम्पोर्टेंस है। हम लोगों को गोट और सीप से मीट तो मिलता ही है, मीट इज़ ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, बट अलॉन्ग विद मीट वी ऑल्सो ऑब्टेन लॉट ऑफ अदर आइटम्स फ्रॉम गोट एंड सीप। ठीक है, वूलन क्लोथ्स वगैरह जो बनते हैं, जो वूल्स वगैरह होता है वो हम लोगों को कहाँ से मिलेगा, गोट और सीप से प्राइमरी लेवल पर। फिर उसका इस्तेमाल करके उसको हम लोग मैन्युफैक्चर बड़े लेवल पे करते हैं और फिर हम लोगों को क्या नाम है उनिक जो कपड़े हैं वो हम लोगों को ऑब्टेन होते हैं। पोल्ट्री एंड फिश फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर आपको पता है कि बर्ड्स आ जाते हैं और मेनली हम लोग यहाँ पर जो चिकन्स हैं उन उसको इंक्लूड करेंगे। जो पोल्ट्री फार्मिंग है बेटा इट इज़ ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन बिकॉज हम लोगों को वहाँ से चिकन मिलता है और एट द सेम टाइम्स एग्स आर ऑल्सो ऑब्टेन विच आर ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन बट कंटेंट नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ शुगर और वेरी लो कंटेंट ऑफ फैट। फिश फार्मिंग ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अगर हम लोग कंसिडर करें ना इन सभी में से तो नाउडेज जो फिश फार्मिंग है ना वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। फिश फार्मिंग का सबसे इम्पोर्टेंस ये है कि भाई इसमें इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि जो फिश हम लोगों को हम लोग जो फिश ग्रो करवाते हैं, जो हैचलिंग्स या एग्स हम लोगों को फिश के मिलते हैं, उसको हम लोग जब क्या नाम है किसी टैंक में या पोंड में जब हम लोग उसको ग्रो करवाएंगे तो हम लोगों को जो फिशेज मिलती हैं उनका मार्केट डिमांड जो है काफ़ी ज़्यादा है और उनकी ग्रोथ भी काफ़ी रैपिडली होती है, यानी कि एक साल दो साल में इनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है जिसकी वजह से क्या नाम है मार्केट वैल्यू इसकी ज़्यादा हो जाती है। मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी तो कॉमन सी बात है कि भाई पैसा भी काफ़ी ज़्यादा मिलता है, तो इसको काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से फिश फार्मिंग को। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है व्हाई नीड ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री इसलिए ज़रूरी है फुलफिल द डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशंस। पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी बहुत इंक्रीज हुआ है जिसकी वजह से जो क्या नाम है एनिमल हस्बेंड्री की काफ़ी रिक्वायरमेंट है और टू प्रिवेंट न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए भी हम लोग एनिमल हस्बेंड्री की तरफ जा रहे हैं। कैटल फार्मिंग की अगर बात करें तो कैटल फार्मिंग के अंदर दो चीज़ें इंक्लूड करनी है हम लोगों ने, एक तो मिल्च एनिमल्स और एक ड्रॉट एनिमल्स। ड्रॉट एनिमल्स वो होंगे जिसको हम लोग लेबर पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे और मिल्च एनिमल्स वो होते हैं जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए हम लोग जिसको यूज़ करते हैं, इसके अंदर काउस और बफेलोज ही आ जाएंगे। साइंटिफिक नेम एक नया कॉन्सेप्ट है बायोलॉजी के अंदर बेटे, साइंटिफिक नेम का मतलब होता है कि
कोई वैज्ञानिक नाम देना, लोकल नेमिंग पर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। और साइंटिफिक नेम का सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि सेम ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसीलिए साइंटिफिक नेम जो काउ का है डेट इज बॉस इंडिकस, साइंटिफिक नेम ऑफ बफेलो इज बॉस बुबेलिस। हमारा जो साइंटिफिक नेम है डेट इज होमो सेपियंस। इसी तरीके से मैंगो का है जैसे मैंगीफेरा इंडिका, इसी तरीके से जैसे फ्रॉग का है राना टिग्रिना। तो ये वैज्ञानिक नाम होते हैं, और वैज्ञानिक नाम का सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है कि वो ऑर्गेनिज्म एक ही नाम से हर जगह जाना जाता है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन काफ़ी आसान हो जाती है। अब हम लोग अगर यहाँ पर बात करें कि भाई इंडियन ब्रीड्स कौन सी हैं, गाय की नस्लें कौन सी हैं, गिर है, साहिवाल है, रेड सिंधी है। रेड सिंधी आंध्रा में पाई जाती है, साहिवाल आपको पता है नॉर्थन जो रीजन है इंडिया का वहाँ मिलेगा, हरियाणा पंजाब यूपी साइड मिल जाता है, गिर राजस्थान और गुजरात साइड में ये मिलता है। ठीक है, दीज आर द लोकल ब्रीड, इंडियन ब्रीड हैं। तो अगर हम लोग लोकल के लिए वर्ड यूज़ करें तो उसको हम लोग कहते हैं एंडेमिक। ठीक है, और एक यहाँ पर आ रहा है फॉरेन ब्रीड। फॉरेन ब्रीड जैसे जर्सी, ब्राउन स्विस और होल्स्टीन, ये बाहर की ब्रीड हैं, इनका मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है एज कंपैरिजन टू द इंडियन ब्रीड, इनका मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। बट व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ इंडियन ब्रीड, इंडियन ब्रीड का जो बेनिफिट है वो ये है कि इनकी जो रेजिस्टेंसी होती है डिजीज़ के अगेंस्ट वो ज़्यादा होती है। डेट्स वाई अगर हम लोग इंडियन ब्रीड और फॉरेन ब्रीड की क्रॉसिंग करवाएँ तो हमारे पास जो ब्रीड आएगी हम लोग ये मान के चलेंगे कि वो ऐसी ब्रीड आए जिसमें मिल्क प्रोडक्शन रेट भी ज़्यादा हो और एट द सेम टाइम उसमें रेजिस्टेंसी डिजीज़ के अगेंस्ट वो भी ज़्यादा देखने को मिले। तो फॉरेन ब्रीड के लिए हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं एक्जोटिक। ये टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखना है, एक्जोटिक का मतलब बाहर की और एंडेमिक का मतलब लोकल। ठीक है, और आपको पता ही है कि जो मिल्क है, मिल्क इज़ ए गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, यानी कि मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और विटामिन्स बी ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। विटामिन बी जो एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है, तो आप विटामिन बी से ही याद रखें, ना कि विटामिन B1, B12, B3, B4 इस पे नहीं जाना है। तो विटामिन बी जो है वो ज़्यादा मिलेगा, विटामिन डी भी मिलता है, विटामिन ई भी मिलता है माइन्यूट क्वान्टिटी में। तो मिल्क अपने आप में एक संपूर्ण जो है आहार है, यानी कि इज ए कम्प्लीट पैकेज, और प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। मिल्क के अंदर आपको पता है कि कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली वी कैन से डैट कि भाई मिल्क एनिमल से हम लोगों को मिल्क मिलता है। ड्रॉट एनिमल्स वो होते हैं जिसको लेबर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे अब लेबर के लिए किस तरीके से, लेबर के लिए जैसे कार्टिंग के लिए, कार्टिंग सामान वगैरह को ढोने के लिए, इरीगेशन के लिए, पहले के टाइम पे जैसे कुएं से पानी निकालना हो उसके लिए हम लोग क्या नाम है इनका इस्तेमाल करते थे, और टीलिंग वगैरह के लिए, टीलिंग का मतलब होता है जैसे खेती बाड़ी करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और इनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक कास्ट्रेशन करते हैं। कास्ट्रेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि भाई जो उसकी फर्टिलिटी पावर होती है उसको रोक दिया जाता है, जिससे कि उसका जो काम करने का क्षमता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ की जाती है जिसकी वजह से जो ड्रॉट एनिमल्स हैं उनका जो स्टेमिना वगैरह है वो काफ़ी बूस्ट रहता है। ठीक है, तो डैट इज़ अबाउट मिल्स एनिमल्स एंड ड्रॉट एनिमल्स। अब यहाँ पर कैटल फार्मिंग, एक गुड कैटल फार्मिंग के लिए क्या क्या ज़रूरी है, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जो कि मैंने आपको यहाँ स्टार्टिंग में कहा था कि प्रॉपर मैनेजमेंट को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर मैनेजमेंट के अंदर बेटे प्रॉपर शेल्टर आ जाता है कि भाई जानवरों को जहाँ रखा जाए, कैटल्स यानी कि लिव स्टॉक को जहाँ रखा जाए वो एरिया आपका काफ़ी बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर शेल्टर होना चाहिए, ओपन में नहीं रखना है, क्योंकि वेरियस इन्वायरमेंटल कंडीशन होती हैं उसमें वो अपने आप को टॉलरेट कर सके, इसीलिए प्रॉपर शेल्टरिंग मस्ट। प्रॉपर वैक्सीनेशन अलग अलग तरह की बीमारियों से बचाने के लिए, बैक्टीरियल हो, फंगल हो, वायरल हो, पैरासाइटिक डिजीज़ हो, उनसे बचाने के लिए उनको प्रॉपर वैक्सीनेशन देना ज़रूरी है, टीकाकरण ज़रूरी है, जिससे कि उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो। वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है, वैक्सीनेशन का मतलब होता है बूस्टिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, पानी जरूरी है,
उनको पानी प्रॉपर अमाउंट में मिलता रहना चाहिए, और जो फूड है वो भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, यानी कि फूड के अंदर रफेज होना चाहिए और कॉन्सेंट्रेटेड फूड होना चाहिए। ठीक है, रफेज से क्या होता है कि उसमें रफेज एक आप ये लगा लो कि रफेज न्यूट्रिएंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग कंसिडर करें तो जीरो है, लेकिन रफेज की वजह से क्या होता है कि जो अंदर का उसका एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल है, उसको काफ़ी वर्क करना पड़ता है जिससे कि उसकी उसका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो रफेज वगैरह होना चाहिए और कॉन्सेंट्रेटेड फूड होना चाहिए, यानी कि फूड के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इनका सभी का एक मिश्रण होना चाहिए। ठीक है, मिक्सर होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन इज प्रॉपर वेंटिलेशन। भाई एरेशन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा ना हो कि भाई काफ़ी ह्यूमिड इन्वायरमेंट हो जिससे कि कैटल्स को सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करना पड़े, तो एरेशन काफ़ी ज़रूरी है। प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉगिंग इन कैटल यार्ड, जहाँ पर जानवरों को रखा गया है वहाँ पर वाटर लॉगिंग को प्रिवेंट करना है, पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है। वाटर लॉगिंग को रोकने के लिए जो फ्लोर होगा वो कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा स्लोपी होना चाहिए, जिससे कि जब भी बाथिंग वगैरह करवाई जाए कैटल को नहलाया जाए तो उस टाइम पे पानी इकट्ठा ना हो, और पानी जो है वो स्लोपी फ्लोर होने की वजह से पानी का रिमूवल हो सके। तो दीज आर द पॉइंट्स विच आर नीड टू कंसिडर, तो इनको आप लोगों ने ध्यान में रखना है, और इन जो जितने भी चीज़ें मैंने बताई हैं इसको आप लोगों ने नोटबुक में राइट करना है, और NCERT से इस पॉइंट की आप लोगों ने रीडिंग करनी है। तो हम लोगों ने आज कैटल फार्मिंग किया है, नेक्स्ट टाइम हम लोग आगे का डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।